हाय एवरीवन, ये एक तरीका है कैप्सिकम काटने का। इतना फाइनली चॉप करना हो तो देखिए मैं कैसे काटती हूँ, तीन सिंपल स्टेप्स में। पहले इसका टॉप पार्ट ऐसे काटिए जो है इसका क्राउन एरिया, और फिर ये देखिए ये ऐसे निकल जाएगा। फिर इसकी टेल पार्ट को ऐसे काट दीजिए, इसको रख दीजिए साइड, और फिर जो लेफ्ट ओवर है उसको बीच से काट के इसको ऐसे लंबा सा शेव करके ये शेव आउट कर दीजिए। ये निकल गया और आप इसको फेंक दीजिए। अब देखिए ये पार्ट के बाद आप इसको देखिए कैसे काटेंगे ऐसे, और अगर आप स्टर फ्राई बना रहे हो तो इसको ऐसे लंबाई में काट लीजिए, और अगर सैंडविचेस बनाने हैं और आपको फाइनली चॉप करने हैं तो इसको ऐसे रोटेट करिए और ऐसे छोटा छोटा फाइनली चॉप करिए। देखिए कितना सुंदर कटा है ये कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर्स। ये चाहे देखने में बहुत ही सिंपल टिप लगता है और लोग सोचेंगे कि आप इसमें ऐसा क्या बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसे तरीके हैं। बीइंग अ मॉम हम बिलीव करते हैं कि इस तरह की टिप्स सब लोगों के साथ शेयर की जाए, बताया जाए कि हम इसको कैसे करते हैं। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया आप बताइए आप इतना छोटा छोटा फाइनली चॉप कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा ये देखिए ऐसे करते हैं। तो जब ये एरिया ऐसे हो जाएगा तो जो बाकी कैप्सिकम जो उसका क्राउन और टेल बचा है उनके मैं ऐसे लंबाई में स्लाइसेस करूँगी, फिर इसको फाइनली चॉप कर दूँगी कुछ इस तरह। और ये रहा इसका क्राउन एरिया, और इसको भी उसी तरह लंबाई में काटिए और फिर इसको आप चॉप कर दीजिए और छोटा। देखिए कितना बढ़िया कटा है ये कैप्सिकम। चलिए अब ग्रीन बेल पेपर को भी ऐसे काटते हैं। पहले हम काटेंगे क्राउन ऐसे, और ये बीच का टेल निकल जाएगा, और फिर हम काटेंगे इसकी टेल और इसको रख देंगे साइड। बीच से काटा और इसको ऐसे धीरे धीरे खोल खोल के शेव आउट कर दिया, देखिए ऐसे, और बस। और अब ये इजी बिट रह गया, इसको हम फेंक देंगे। अब ये इजी बिट रह गया है, अब इसको जैसे चाहे हम काट सकते हैं। अगर आप स्टर फ्राई बना रहे हैं तो इसको इस तरह काट सकते हैं, पर यहाँ मैं सैंडविचेस के लिए काट रही हूँ तो मैं इनको लंबाई में काटूंगी इस तरह, जैसे रेड बेल पेपर को भी काटा था। आई होप यू लाइक दिस टिप। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंजॉय।